काजल निषाद को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद की तबीयत बिगड़ गई है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती होने के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। वो पिछले दो दिनों से अस्पताल में भर्ती थी, जिसके बाद रविवार को उन्हें लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। खबर है कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद की तबीयत रविवार की देर शाम अचानक बिगड़ गई थी। ईसीजी की रिपोर्ट में गड़बड़ी आने पर डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया। काजल निषाद इन दिनों जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रही हैं। बताया जा रहा है कि 5 अप्रैल को चुनाव प्रचार के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। प्रचार के दौरान काजल अचानक बेहोश हो गई। इसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें डिहाइड्रेशन हुआ है। इलाज से काजल निषाद की सेहत में सुधार हो रहा था। बताया जा रहा है कि रविवार की शाम उनकी तबीयत अचानक फिर से बिगड़ गई। उन्होंने डॉक्टर से सीने में दर्द होने की बात बताई थी, जिसके बाद डॉक्टर ने ईसीजी कराई, जिससे ये साफ हुआ कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। हालांकि मेदांता हॉस्पिटल की ओर से उनका मेडिकल बुलेटिन जारी होने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद उनकी सेहत को लेकर स्थिति साफ हो पाएगी। काजल निषाद ने साल 2012 में राजनीति में कदम रखा था। सपा के पहले वो कांग्रेस और निषाद पार्टी में भी रही हैं। हालांकि 7 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने काजल निषाद को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। काजल करीब 1000 समर्थकों के साथ सपा में शामिल हुई थी, तभी से वो लगातार पॉलिटिक्स में एक्टिव है। काजल सपा की सीट से 2022 के विधानसभा चुनाव में गोरखपुर की कैपियरगंज सीट से चुनाव भी लड़ चुकी हैं। वहीं साल 2012 में भी गोरखपुर ग्रामीण से विधानसभा चुनाव लड़ी थी, तब वो कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरी थी। वहीं एक बार फिर से अखिलेश यादव ने उन पर भरोसा जताया है। अखिलेश ने लोकसभा चुनाव में उन्हें गोरखपुर से टिकट दिया है। उनके सामने बीजेपी के रवि किशन चुनावी मैदान में है।